कलयुग में स्त्री और पुरुष कैसे होंगे, कलयुग का अंत कैसे होगा। नंबर एक, जो पुरुष धनहीन होगा उसे पति को स्त्रियों में धनवान पति ही स्वामी होगा। नंबर दो, कलयुग में मनुष्य का सारा धन घर बनाने में ही खर्च हो जाएगा, वह दान धर्म कभी नहीं करेगा। सदाचारी और धर्म के पद पर चलने वाले पुरुषों से प्रवेश करेंगे। चौथ, कलयुग में मनुष्य को अन्य करके धन प्राप्त करने में आनंद महसूस होगा, कम संतान उत्पन्न करने वाली और मंद भाग वाली होगी। प्रथम बार में यदि जिस माँ के गर्भ से पुत्री जन्म लेती है तो वह मन बहुत भाग्यशाली होती है, इसलिए प्रथम बार में कन्या का जन्म लेना यानी कि लड़की का जन्म लेना शुभ माना जाता है। कन्या का जन्म लेना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि पुत्र एक कल को उतरता है, वही पुत्री दो कल को उतरती है, इसलिए लड़की के जन्म को शुभ माना गया है। इसलिए प्रथम बार में कन्या जन्म लेती है तो शुभ माना जाता है। आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं तो रविवार के दिन करें मसूर की दाल का यह उपाय, सारे काम बनते चले जाएंगे। करना क्या है आपको, चलो हम बताते हैं। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लायक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं, आपकी कुंडली में अगर ग्रह दोष चल रहा है और आपके काम लगातार बिगड़ती रहते हैं तो आपको मसूर की दाल सूर्य देव को अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा आप मसूर की दाल दान में भी दे सकते हैं, इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। आप अगर सूर्य देव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो आपको रविवार के दिन दान जरूर करना चाहिए। आप अनाज, कपड़े, मिठाई, फल आदि चीज किसी जरूरतमंद को दान दे सकते हैं। ऐसा करने से ही आपको बहुत जल्द ही आपके जीवन में परिवर्तन देखने चालू हो जाएगा। मंदिर से लौटते समय यह दो काम भूल कर भी ना करें। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा पाठ का बहुत महत्व है। बहुत से लोग मंदिर जाकर पूजा करते हैं और बहुत से लोग घरों में ही पूजा करते हैं। कई बार लोग पूजा के दौरान कोई ना कोई ऐसी गलती कर जाते हैं जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता। पूजा के दौरान मंदिर से आने के बाद यह दो काम बोलकर भी ना करें। मंदिर से आते समय चढ़ाया हुआ प्रसाद रास्ते में नहीं खाना चाहिए। दूसरा है, खाली लोटा भूल कर भी ना लाएं घर। ऐसी गलती कभी मत करना। भगवान को जल अर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल बचाकर घर लाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और वैभव बना रहता है। तो आशीष बात का ध्यान रखें। जानकारी अच्छी लगी हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पति के साथ भोजन करते वक्त यह पांच गलतियां भूलकर भी मत करना, नहीं तो गृहस्थी का विनाश होते देर नहीं लगेंगे। जानने से पहले जितने भी भोले के भक्त हैं वह वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर एक, भूल कर भी कभी बिस्तर में लेट कर अथवा बैठ कर भोजन न करें। नंबर दो, भोजन के वक्त भूल कर भी दुनियादारी की बातों के साथ साथ आपस में काला कालेश अथवा बहस न करें। नंबर तीन, मल मूत्र का बैग यानी प्रेशर होने पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर चार, जो व्यक्ति एक समय भोजन करता है वह योगी है और जो दो समय भोजन करता है वह भोगी है। नंबर पाँच, भजन हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया गया भोजन प्रेरित को प्राप्त होता है।